सांसद अनुराग ठाकुर और भाजपा सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले कांग्रेसी खुद अपने बुने जाल में फंस चुके हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने कांग्रेसियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें झूठ बोलने के चैंपियन करार दिया है। अचल गगरी छलकत जाए की राह पर चलते हुए कांग्रेस रात दिन सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र और प्रदेश सरकार पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ही खुद ही इस कीचड़ में डूबेंगे। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष के रेल बजट में जिस हमीरपुर ऊना रेल लाइन का पैसा मंजूर हुआ है, उसी रेल को कांग्रेसी एक वर्ष बाद पूछ रहे हैं कि रेल कहां पहुंची। कांग्रेसियों को रेल में सफर करने की कितनी तड़फ है, इस बात का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है, किंतु कांग्रेसी पहले उस बात का जवाब दें कि 40 वर्ष पहले जिस ऊना नंगल तलवाड़ा रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था, क्या कारण रहे हैं कि वह ऊना से आगे दशकों तक नहीं बढ़ पाई और अब मोदी सरकार बनने के बाद और सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से वह 2017 में दौलतपुर चौक पर 4 वर्षों में ही पहुंची है। हमीरपुर रेल नहीं पहुंचने की पीड़ा प्रकट कर रहे कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन इसीलिए भी बिगड़ा है कि इसी वर्ष के अंत में इस रेल लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारों में कांग्रेस की पूर्व सरकारों के विपरीत लूट घसीट भ्रष्टाचार और माफिया राज के बजाय समाज के आम जनमानस की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर जो काम और योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे कांग्रेसी भले ही खार खा रहे हों, लेकिन आम जन में खुशी का कारण बन भाजपा और लोकप्रिय हो रही है। कांग्रेसी भले भाजपा की सरकारें और नेताओं पर कितना भी कीचड़ उछाले, जनता का आक्रोश खुद कांग्रेसियों को ही उस कीचड़ में डुबोकर कमल खिलाएगा। देखिए, कांग्रेस आजकल व्यस्त है। कांग्रेस तरह तरह के जाल बुन रही है, दुष्प्रचार कर रही है भाजपा नेताओं के विरुद्ध, भाजपा सरकारों के विरुद्ध। पर मेरा ये मानना है कि जो जाल कांग्रेसी आए दिन बुन रही है उसी जाल में वे खुद फंस के रह जाएगी, क्योंकि जो सच है वो जनता के सामने है। जनता को पता है कि भाजपा सरकारों ने, भाजपा के नेताओं ने सत्ता में आकर जनहित के जो कार्य किए हैं वो किसी से भी नहीं छुपे हैं। कांग्रेस के लोग आए दिन केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और एवं भाजपा सांसदों के विरुद्ध कीचड़ उछालने में लगी है और इसी कीचड़ में कांग्रेस डूबेगी। 2019 के चुनावों में फिर से कमल खिलेगा और कांग्रेस का नामो निशान इस पूरे देश से खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जिसके राज में 40 वर्ष पहले ऊना तलवाड़ा नंगल रेलवे लाइन का शिलान्यास हुआ था, पर वह ट्रेन 40 वर्षों में ऊना से आगे नहीं क्रॉस कर पाई। 2014 में जब मोदी सरकार बनी और सांसद अनुराग ठाकुर जी ने इसका बीड़ा उठाया तो मात्र 3-3.5 वर्ष के समय में ये ट्रेन दौलतपुर चौक तक पहुंची है और आने वाले 1.5 साल में ये ट्रेन तलवाड़ा तक भी पहुंच जाएगी। और जिस हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन का आए दिन कांग्रेसी दिखावा करते हैं कि उन्हें बहुत दर्द है, हमीरपुर ट्रेन नहीं पहुंची, ट्रेन नहीं पहुंची, मैं उनको बता देना चाहता हूं, हमीरपुर की जनता जानती है 2017 में इस रेल लाइन का बजट मंजूर हुआ था। 2850 करोड़ रुपए के बजट से ये ट्रेन लाइन मंजूर हुई थी। अभी 2018 चला है, एक वर्ष में कोई ट्रेन लाइन बिछती है क्या? कांग्रेस के शासन को याद करती है दुनिया। कांग्रेस के सरकारों में दशकों तो सर्वे में ही लग जाते थे, पर फिर भी हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन का प्रारंभिक सर्वेक्षण, इसके अलावा भौगोलिक सर्वेक्षण और फाइनल लोकेशन सर्वे मात्र 2 वर्षों के समय में पूरा हुआ है, वह स्वयं एक रिकॉर्ड है। और कांग्रेसियों को आग इसलिए भी लग रही है कि इसी वर्ष के अंत तक निश्चित रूप से हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेसी क्या मुंह लेके लोकसभा चुनावों में जनता के पास जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में ये वही कांग्रेस थी जिसने लोगों को गुमराह किया कि ट्रेन के झूठे सपने दिखाए गए हैं। कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है, वह आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। जनता समझदार है, कांग्रेस कीचड़ में जो वो भाजपा के ऊपर उछालती रहती है, कांग्रेस को ही प्रदेश की जनता, इस संसदीय क्षेत्र की जनता, जिला हमीरपुर की जनता डुबोएगी और जी भर के कमल खिलाएगी।